नमस्कार, मैं हूं प्रज्ञा। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 15 जुलाई दिन शनिवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नज़र सुर्खियों पर। आज बीपीएससी के 1.70 लाख से अधिक टीचर पद पर आवेदन करने की लास्ट डेट। 4 वर्षीय कोर्स की समीक्षा करेगी सरकार। उत्तर पूर्व और दक्षिण के जिलों में बारिश के आसार। कॉलेजों में हॉस्टलों की दयनीय हालत पर पटना हाईकोर्ट ने की सुनवाई। चंद्रयान 3 लॉन्च के बाद पहुंचा अंतरिक्ष में, धीरे धीरे बढ़ रहा चांद की ओर। अब चलिए बढ़ते हैं बिहार के अब तक की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। आज बीपीएससी के 1.70 लाख से अधिक टीचर पद पर आवेदन करने की लास्ट डेट। आज यानी कि 15 जुलाई को बीपीएससी के 1,70,461 टीचर पद पर आवेदन करने की अंतिम तारीख है। ऐसे में वे अभ्यर्थी जो इस परीक्षा में शामिल होने की इच्छा रखते हैं, तो उनके लिए आज आवेदन करने का अंतिम मौका है। बता दें कि आवेदन करने की अंतिम तारीख को एक बार बढ़ाया जा चुका है। ऐसे में पूरी उम्मीद है कि अब तारीख को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता। बता दें कि आवेदन करने के लिए उम्मीदवार को बीपीएससी की आधिकारिक वेबसाइट www.bpsc.bihar.gov.in पर जाकर आवेदन करना होगा। बिहार टीचर के इन पद पर कैंडिडेट्स का सिलेक्शन लिखित परीक्षा के माध्यम से किया जाएगा। बिहारी पहचान में आज हम बात करेंगे सुचित्रा भट्टाचार्य के बारे में। सुचित्रा भट्टाचार्य एक भारतीय उपन्यासकार थी, जिन्होंने हेमंतर पाखी, कछेर मानुस, अलिख सुख, इच्छे और कछेर देवल जैसी कृतियों के लिए जाना जाता है। एक लेखिका के रूप में अपने करियर के दौरान उन्होंने 20 से अधिक उपन्यासों और कई लघु कहानियों की रचना की। उनके उपन्यास दहन को 1997 की फिल्म दहन में रूपांतरित किया गया था और उनके उपन्यास इच्छरगाछ, अलिख सुख और रामधनु रंग को शिव प्रसाद मुखर्जी द्वारा फिल्मों में रूपांतरित किया गया था और उनके उपन्यास उन्नियो बवासेंटो को आदिति रॉय द्वारा एक टेलीविजन फिल्म में रूपांतरित किया गया था। सुचित्रा भट्टाचार्य को कई पुरस्कार मिले, जिनमें भुवन मोहिनी पदक, नंजना गुड्डू थिरुमलम्बा राष्ट्रीय पुरस्कार, कथा पुरस्कार, तारा शंकर पुरस्कार, कल्याणी से पुरस्कार, शरद पुरस्कार, साथ ही भारत निर्माण पुरस्कार, साहित्य सेतु पुरस्कार और 2004 में शैलजानंद स्मृति पुरस्कार और 2015 में दिनेश चंद्र स्मृति पुरस्कार और मति नंदी पुरस्कार शामिल है। प्याज के क्षेत्र के विस्तार हेतु मिलेगा 50% अनुदान। अगर आप भी उन किसानों में आते हैं जो अपनी प्याज की खेती का विस्तार करना चाहते हैं, तो आपके लिए अच्छी खबर है। बता दें कि बिहार सरकार के कृषि विभाग उद्यान निदेशालय के द्वारा प्याज की खेती का विस्तार करने वालों के लिए एक योजना लाई गई है, जिसका नाम विशेष उद्यानिक फसल योजना है, जिसके अंतर्गत कृषकों को प्याज के क्षेत्र में विस्तार हेतु निर्धारित लागत मूल्य का 50% अनुदान दिया जाएगा। लेकिन इस अनुदान को पाने के लिए किसानों को प्याज की खेती पर इकाई लागत 98,000 प्रति हेक्टेयर करनी होगी, जिसके बाद किसानों को सरकार की ओर से 50% का अनुदान दिया जाएगा। बता दें कि इस योजना के तहत जिन जिलों के किसानों को अनुदान दिया जाएगा, उनमें बिहार की राजधानी पटना समेत बक्सर, भोजपुर, नालंदा और शेखपुरा है। इससे जुड़ी अधिक जानकारी के लिए किसान अपने प्रखंड के प्रखंड उद्यान पदाधिकारी अथवा अपने जिला के सहायक निदेशक उद्यान से संपर्क कर सकते हैं। बिहार के इन जिलों में साइबर अपराधियों को दबोचने का आदेश। बिहार में बढ़ते साइबर अपराध को देखते हुए उन पर नकेल कसने के लिए आर्थिक अपराध इकाई यानी कि ईओयू के एडीजी नैयर हसनैन खान और एसपी सुशील कुमार के द्वारा बिहार की 3 जिलों में साइबर थानों के प्रभारी डीएसपी के साथ बैठक कर समीक्षा की गई, जिनमें नालंदा, नवादा और शेखपुरा जिला शामिल है। बता दें कि इस बैठक में साइबर थानों के प्रभारी डीएसपी को निर्देश दिया गया कि अपने अपने जिलों में सक्रिय साइबर अपराधियों और छोटे बड़े साइबर गैंग की पहचान कर उन्हें चिन्हित करे और फिर इनकी लिस्ट बनाकर व्यापक स्तर पर इन्हें पकड़ने का काम करें। बता दें कि 3 जिले साइबर अपराध के हॉटस्पॉट पर चिन्हित किए गए हैं और इन 3 जिलों के अपराधी के तार दूसरे राज्यों से भी जुड़े हुए हैं। 4 वर्षीय कोर्स की समीक्षा करेगी सरकार। बिहार के यूनिवर्सिटी और कॉलेजों में 4 वर्षीय स्नातक पाठ्यक्रम में नामांकन को लेकर शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के द्वारा राज्यपाल कार्यालय को राज्यपाल द्वारा जारी ऑर्डिनेंस को लेकर 4 वर्षीय कोर्स में नामांकन शुल्क को लेकर पुनर्विचार करने के अनुरोध में अर्ध सरकारी पत्र भेजा गया है। वहीं इस पर बिहार सरकार के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर के द्वारा कहा गया कि सरकार इसकी समीक्षा करके नियम के अनुकूल कार्रवाई करेगी। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पटना यूनिवर्सिटी में बीते दिन से 4 वर्षीय स्नातक कोर्स की शुरुआत हो चुकी है। हालांकि बीते दिन कॉलेज में इंडक्शन मीट करवाया गया, जिसमें छात्र छात्राओं को विभाग के बारे में जानकारी दी गई। मालूम हो कि 4 वर्ष के स्नातक कोर्स में छात्र बीच में भी कोर्स को छोड़ सकते हैं और इसके लिए उनके कोर्स के वर्ष के अनुसार उन्हें डिग्री भी दी जाएगी, जो कि 1 वर्ष के लिए सर्टिफिकेट, 2 वर्ष के लिए डिप्लोमा, 3 वर्ष के लिए डिग्री और 4 वर्ष के लिए रिसर्च के साथ डिग्री दी जाएगी। चंद्रयान 3 लॉन्च के बाद पहुंचा अंतरिक्ष में, धीरे धीरे बढ़ रहा चांद की ओर।
बीते दिन आंध्र प्रदेश के सतीश धवन स्पेस सेंटर से भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो के द्वारा देश के तीसरे चंद्रमा मिशन के लिए चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग कर दी गई और इसी के साथ इसरो का तीसरा मिशन मून शुरू हो गया है। बता दें कि अब अगले 42 दिनों में 3 लाख किलोमीटर से अधिक दूरी करते हुए यह चंद्रयान 3 चंद्रमा तक पहुंच जाएगी। ऐसे में अंतरिक्ष यान द्वारा ले जाए गए लैंडर के 23 या 24 अगस्त को चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करने की उम्मीद है। बता दें कि अगर यह मिशन सफल हो जाती है तो भारत ऐसी उपलब्धि हासिल करने वाला चौथा देश बन जाएगा। मालूम हो कि इससे पहले जिन 3 देशों ने सफल लॉन्चिंग की थी उसमें संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन और पूर्व सोवियत संघ है। वहीं चंद्रयान 3 लॉन्च होने पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा बधाई दी गई और कहा गया कि चंद्रयान 3 का सफल प्रक्षेपण कर इसरो ने अंतरिक्ष में एक नया इतिहास रचा है। यह पूरे देश के लिए गर्व की बात है। यह इसरो के वैज्ञानिक की कड़ी मेहनत का नतीजा है जिसके लिए वे बधाई के पात्र हैं। वहीं नरेंद्र मोदी के द्वारा ट्वीट करते हुए कहा गया कि चंद्रयान 3 ने भारत की अंतरिक्ष यात्रा में एक नया अध्याय लिखा। यह हर भारतीय के सपनों और महत्वाकांक्षाओं को ऊपर उठाते हुए ऊंची उड़ान भरता है। यह महत्वपूर्ण उपलब्धि हमारे वैज्ञानिकों के अथक समर्पण का प्रमाण है। मैं उनकी और प्रतिभा को सलाम करता हूँ। 5 दिन के मानसून सत्र में सिर्फ 3 घंटे 18 मिनट चली सदन की कार्यवाही। बीते दिन बिहार विधानसभा के 5 दिवसीय मानसून सत्र की समाप्ति हो चुकी है। बता दें कि सत्र की शुरुआत 10 जुलाई से हुई थी जो कि 14 जुलाई यानी कि बीते दिन तक चली, लेकिन इन 5 दिनों के मानसून सत्र में सदन की कार्यवाही केवल 3 घंटे 18 मिनट चली, जिसमें कुल 353 प्रश्नों की सूचनाएं प्राप्त हुई, जिनमें से 325 प्रश्नों को स्वीकृत, कुल 33 प्रश्न उत्तरित हुए। बता दें कि इस सत्र को लेकर प्रोफेसर देवेश चंद्र ठाकुर के द्वारा कहा गया कि हमारे जितने भी प्रश्न थे वह सारे के सारे निपट गए हैं, किसी दिन कम या फिर किसी दिन ज्यादा होते रहता है। उन्होंने कहा कि कभी कोई ऐसे भी प्रश्न होते हैं जिन पर लंबी चर्चा हो जाती है, उस दिन दूसरे प्रश्न बाधित हो जाते हैं। बिहार के पर्यटन में आज हम बात करेंगे पुराना सचिवालय के बारे में। पुराना सचिवालय बिहार की राजधानी पटना में स्थित है, जो बिहार राज्य सरकार का प्रशासनिक मुख्यालय है। यह भवन अंग्रेजों द्वारा इंडोर सरसैनिक शैली में वर्ष 1917 में बनकर तैयार हुआ था। यह शहर के सबसे बड़े सरकारी भवनों में से एक है। यहाँ खूबसूरत और हरे भरे बगीचे के बीच एक विशाल घंटाघर है जिसकी ऊंचाई लगभग 184 फीट है। पुराना सचिवालय परिसर में कई उल्लेखनीय चीजें हैं, जैसे बिहार के पहले मुख्यमंत्री बिहार केसरी श्री कृष्ण सिन्हा की काश्य प्रतिमा यहाँ का मुख्य आकर्षण है। यहाँ और भी कई उल्लेखनीय इमारतें हैं जहाँ अलग अलग सरकारी विभाग के अधिकारियों के कार्यालय हैं। पुराना सचिवालय को ब्रिटिश काल में सिडनी के प्रसिद्ध वास्तुकार जोसेफ मुन्निगस द्वारा डिजाइन किया गया था और कलकत्ता के मार्टिन बर्न द्वारा बनाया गया था। बिहार की बेटी सोनाली मिश्रा बनी वर्ल्ड डांस फिनाले के विनर। बिहार के भागलपुर के निवासी शास्त्रीय संगीत गुरु पंडित शंकर मिश्र नाहर एवं शर्मिला नाहर की पुत्री श्रद्धा नाहर उर्फ सोनाली मिश्रा ने स्टार क्वेस्ट डांस कंपटीशन के वर्ल्ड फिनाले 2023 में 46 देशों के 350 प्रतिभागियों को पछाड़ कर विनर बनी है। बता दें कि यह कॉम्पिटिशन अमेरिका के वर्जीनिया में आयोजित किया गया था। बता दें कि सोनाली मिश्रा ने इस कॉम्पिटिशन में कथक नृत्य और सेमी क्लासिकल भाव नृत्य प्रस्तुत कर वहाँ मौजूद 12 जजों का दिल जीत लिया। वही सोनाली मिश्रा के द्वारा इस उपलब्धि को हासिल करने पर उनके माता पिता के द्वारा कहा गया कि विश्व स्तर पर आयोजित नृत्य प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त कर सोनाली मिश्रा ने न केवल भागलपुर बल्कि बिहार और भारत देश का भी नाम रोशन किया है। आज से बीपीएससी 69वीं कंबाइंड इंटीग्रेटेड पीटी परीक्षा के लिए आवेदन शुरू। आज बीपीएससी 69वीं कंबाइंड इंटीग्रेटेड पीटी परीक्षा के लिए आवेदन की शुरुआत होगी जो कि 5 अगस्त तक जारी रहने वाला है। बता दें कि इस परीक्षा के रिक्त में 33 पदों का इजाफा हुआ है, जिसके बाद अब रिक्तियों की संख्या 346 से 379 हो गई है। मालूम हो कि नई रिक्तियों के अंतर्गत पुलिस उपाधीक्षक, काराधीक्षक, सहायक निबंधक, सहयोग समितियों और पुलिस उपाधीक्षक परिचालन के पदों को एकीकृत परीक्षा में शामिल किया गया है, जबकि अधीक्षक मध्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन सेवा के रिक्तियों की संख्या में वृद्धि की गई है। बता दें कि जारी किए गए इस एग्जाम कैलेंडर के अनुसार यह परीक्षा 30 सितंबर को आयोजित की जा सकती है। वहीं पीटी का रिजल्ट 15 नवंबर को जारी किया जा सकता है और फिर मुख्य परीक्षा 9 से 16 दिसंबर तक हो सकती है। खुले में मांस मछली बेचने पर पाबंदी की याचिका पर सुनवाई टली। पटना हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस केवी चंद्रन की खंडपीठ के द्वारा बिहार की राजधानी पटना एवं राज्य के अन्य क्षेत्रों में खुलेआम नियमों का उल्लंघन कर मांस मछली बेचने पर पाबंदी लगाने संबंधित अधिवक्ता संजीव कुमार मिश्र के द्वारा दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की गई और अब तक इस मामले को 18 जुलाई 2023 तक टाल दिया गया है। बता दें कि पिछली सुनवाई में कोर्ट के द्वारा इस बारे में पटना नगर निगम को विस्तृत जानकारी देने के लिए 3 सप्ताह का समय दिया गया था। पटना नगर निगम की ओर से कोर्ट को बताया गया था कि आधुनिक बुजुर्गखाने के निर्माण और विकास के लिए स्थानों को चिन्हित कर लिया गया है और साथ ही निविदा की कार्रवाई की जा रही है, जिसके बाद निगम की ओर से पूरा ब्यौरा प्रस्तुत करने के लिए कोर्ट से 3 सप्ताह का समय मांगा गया था, जिसे कोर्ट के द्वारा मंजूर कर लिया गया था।
बीएसईबी 10वीं के दूसरी डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड में सुधार की तिथि बढ़ी। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा मैट्रिक वार्षिक परीक्षा 2024 के लिए रजिस्ट्रेशन कराए हुए विद्यार्थियों का द्वितीय डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड में सुधार करने की अंतिम तिथि को बढ़ा दिया गया है, जो कि अब अंतिम अवसर के तहत वेबसाइट https://secondary.biharboardonline.com पर दिनांक 19 जुलाई 2023 तक उपलब्ध रहेगा। अतः सभी विद्यार्थी अपने विद्यालय से द्वितीय डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड प्राप्त करते हुए उसमें अंकित अपनी विवरणी का मिलान कर लेंगे तथा आवश्यकता अनुसार अपने विद्यालय के माध्यम से निर्धारित तिथि 19 जुलाई 2023 तक संशोधन करेंगे। समिति द्वारा जारी किए गए द्वितीय डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड में विद्यार्थियों के नाम या उनके माता पिता के नाम की स्पेलिंग में त्रुटि हो या फोटो, जन्मतिथि, जाति, धर्म, राष्ट्रीयता, लिंग, विषय आदि से संबंधित त्रुटि हो तो उसका सुधार संबंधित विद्यालय के प्रधान द्वारा किया जाएगा। द्वितीय डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड को डाउनलोड करने के लिए क्रम में किसी प्रकार की असुविधा होने पर समिति के हेल्पलाइन नंबर 0612223274 पर सूचित किया जा सकता है। विजय सिन्हा का हुआ अंतिम संस्कार, कई नेताओं ने दी श्रद्धांजलि। 13 जुलाई को बीजेपी के द्वारा किए गए धरना प्रदर्शन के दौरान मृत हुए जहानाबाद जिले के भाजपा महासचिव विजय सिंह का बीते दिन फतुहा के गंगा घाट पर अंतिम संस्कार किया गया, जिसमें बीजेपी के कई वरिष्ठ नेता शामिल हुए, जिनमें बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी, नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा और बिहार भाजपा प्रभारी विनोद तावड़े के नाम शामिल है। इसके साथ ही इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री जीतनराम मांझी भी मौजूद रहे। बता दें कि अंतिम संस्कार के दौरान सभी नेताओं के हाथ में विरोध जताने के लिए एक तख्ती थी, जिस पर नीतीश तेजस्वी की हत्यारी सरकार मुर्दाबाद लिखा हुआ था। इन सब के अलावा इन सभी नेताओं के द्वारा इस मामले में सबूतों को मिटाने की साजिश रचने का आरोप लगाते हुए बिहार सरकार से इस्तीफा देने की मांग भी की गई। कॉलेजों में हॉस्टलों की दयनीय हालत पर पटना हाईकोर्ट ने की सुनवाई। पटना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस केवी कृष्णन की खंडपीठ के द्वारा राज्य के विभिन्न विश्वविद्यालयों व उनके अंतर्गत कॉलेजों में छात्रों के हॉस्टलों की दयनीय हालत को लेकर विकास चंद्र उर्फ गुड्डू बाबा की जनहित याचिका पर सुनवाई की गई। इस दौरान कोर्ट के द्वारा राज्य सरकार को निर्देश देते हुए कहा गया कि इन हॉस्टलों की स्थिति में सुधार लाने के लिए ठोस कदम उठाया जाए। इसके साथ ही कोर्ट ने इस मामले को निष्पादित कर दिया। बता दें कि इस मुद्दे को लेकर बिहार सरकार के द्वारा कोर्ट को बताया गया कि इस मसले पर विश्वविद्यालय के कुलपतियों से विचार विमर्श किया गया है और उनके द्वारा हॉस्टलों की स्थिति के संबंध में रिपोर्ट भी दिया गया है। कोर्ट को बताया गया कि इस मामले पर राज्य सरकार की ओर से कार्रवाई की योजना बनाई जा रही है। उत्तर पूर्व और दक्षिण के जिलों में बारिश के आसार। बिहार में मौसम का मिजाज लगातार बदल रहा है। बदलते हालात के बीच में प्रदेश में बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया जा रहा। प्रदेश के कई इलाकों में बारिश हो रही तो कई इलाकों में बारिश नहीं हो रही है। बता दें कि प्रदेश के उत्तर के जिलों में बारिश के हो रहे हैं तो इन इलाकों में बारिश की संभावना भी जताई जा रही है, जबकि दक्षिण बिहार के जिलों में न तो बारिश के आसार हैं और न ही संभावनाओं पर बात कही जा रही है। विभाग की माने तो प्रदेश के उत्तर पूर्व और दक्षिणी भागों के अधिकांश जिलों के एक या दो स्थानों में वज्रपात के साथ मेघ गर्जन होने की संभावना है। विभाग की माने तो जुलाई में अगर कम बारिश होती है तो इसका असर धान की खेती पर देखने को मिलने वाला है। वीटीआर में मिला पार्वती नाम का यह पीला दुर्लभ कछुआ। घर में साफ सफाई के दौरान वाल्मीकि नगर स्थित जल संसाधन विभाग के ऊपरी शिविर 3 नंबर पहाड़ निवासी अरुण कुमार को एक पहाड़ी कछुआ मिला। इस बात की जानकारी जब वन विभाग को मिली तो उन्होंने इसे अपने कब्जे में ले लिया। इसके बाद एक मेडिकल जांच कर कछुआ को वीटीआर कक्ष संख्या 1 के जंगलों में सुरक्षित रूप से छोड़ दिया गया। इस कछुए को लेकर नेचर एनवायरमेंट वाइल्ड सोसाइटी के प्रोजेक्ट मैनेजर अभिषेक कुमार द्वारा बताया गया कि पहाड़ों पर वास करने पर इसे पार्वती नाम दिया गया, जो पूर्ण रूपन जमीन पर ही रहता है। यह पानी के बजाय जमीन पर ही रहता क्योंकि इसे पानी से बैर है। पानी में वास करने पर इसकी मौत की संभावना रहती है। अक्सर ये पहाड़ों की ढलानों पर पाए जाते हैं। बता दें कि इस कछुए का रंग पीला है। बिहार के आलोक को मिला 1.75 करोड़ की फेलोशिप। बिहार के अरवल जिले के बिथरा गांव के रहने वाले आलोक कुमार को अमेरिका की एक यूनिवर्सिटी ऑफ ह्यूस्टन में पीएचडी की पढ़ाई करने के लिए 1.75 करोड़ रुपए की फेलोशिप मिली है, जिसके आधार पर उन्हें प्रतिमाह 2.50 लाख रुपए प्रतिमाह पीएचडी की पढ़ाई के दौरान मिलेंगे और साथ ही प्रेसिडेंशियल फेलोशिप और फ्री ट्यूशन का लाभ भी मिलेगा। बता दें कि इसमें खास बात यह है कि आलोक को सीधे बीटेक के बाद पीएचडी करने का मौका मिला है। मालूम हो कि आलोक कुमार ने अपना बीटेक राजीव गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम टेक्नोलॉजी से केमिकल इंजीनियरिंग में किया है और इसी बीच उन्होंने अपना रिसर्च प्रोफाइल बनाया और साथ ही 2 जर्नल और 3 रिसर्च रिव्यू आर्टिकल भी लिखे। इस आधार पर उनके यूनिवर्सिटी ने उन्हें एनालाइज किया और अमेरिका के कुछ यूनिवर्सिटीज में उन्हें पीएचडी के लिए ऑफर आए, जिसमें से उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ ह्यूस्टन को केमिकल इंजीनियरिंग से पीएचडी करने के लिए चुना।
तारीख को जारी होंगे सीयूईटी यूजी का रिजल्ट। अगर आप भी उन छात्रों में से हैं जिन्होंने सीयूईटी यूजी का परीक्षा दिया था और अब रिजल्ट के इंतजार में है, तो यह खबर आपके लिए है। बता दें कि यूजीसी अध्यक्ष एम जगदीश कुमार के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार एनटीए यानी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की ओर से इस परीक्षा का रिजल्ट 17 जुलाई तक घोषित कर दिए जाएंगे, जिसके बाद छात्र अपना परिणाम सीयूईटी की आधिकारिक वेबसाइट cuetsamarth.ac.in पर जाकर अपने एप्लीकेशन नंबर की मदद से चेक कर सकते हैं। मालूम हो कि एनटीए के द्वारा इस परीक्षा का आंसर की जारी कर दिया गया है। वहीं इस परीक्षा में करीब 14 लाख स्टूडेंट्स शामिल हुए थे। वहीं मीडिया की रिपोर्ट के अनुसार सीयूईटी पीजी का प्रोविजनल आंसर की भी जल्द ही जारी किया जा सकता है। लाठीचार्ज और भाजपा नेता की मौत को लेकर राज्यपाल को सौंपा गया ज्ञापन। 13 जुलाई को बीजेपी के विधानसभा मार्च के दौरान बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं पर पटना पुलिस के द्वारा किए गए लाठीचार्ज और इस दौरान हुई एक बीजेपी नेता की मौत को लेकर बीते दिन एनडीए के नेताओं के द्वारा बिहार के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अलेडकर को ज्ञापन सौंपा गया। बता दें कि इस दौरान राज्यपाल के साथ बिहार बीजेपी अध्यक्ष सम्राट चौधरी, नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी और राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी से प्रिंस राज मौजूद थे। मालूम हो कि सौंपे गए ज्ञापन में एनडीए के नेताओं के द्वारा राज्यपाल को बताया गया कि हम आपका ध्यान दिनांक 13 जुलाई 2023 को भाजपा द्वारा बिहार विधानसभा मार्च के दौरान शांतिपूर्ण जुलूस पर बर्बरतापूर्ण कार्रवाई की ओर आकृष्ट करना चाहते हैं, जिसमें भाजपा के जहानाबाद के जिला महामंत्री विजय सिंह की मृत्यु भी हो गई और साथ ही कई कार्यकर्ताओं, सांसदों और विधायकों को गंभीर चोट भी आई है। बीजेपी नेताओं के आरोपों पर तेजस्वी यादव का जवाब। बीजेपी के द्वारा किए गए विधानसभा मार्च के दौरान एक बीजेपी मंत्री की मौत हो गई थी, जिसके बाद बीजेपी के द्वारा लगातार बिहार सरकार पर यह आरोप लगाए जा रहे थे कि बीजेपी नेता की हत्या सरकार ने करवाई है। वे अब बीजेपी के इन आरोपों को खारिज करते हुए बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के द्वारा मीडिया से बातचीत करते हुए यह कहा गया कि भाजपा नेगेटिव पॉलिटिक्स और अफवाह फैलाने का काम कर रही है, लेकिन देश की जनता सब देख रही है। बीजेपी नेता की मौत के लिए ये लोग सरकार को कसूरवार ठहरा रहे हैं, जबकि पटना पुलिस ने सब कुछ स्पष्ट कर दिया है। जिस वक्त लाठीचार्ज हुआ उस समय विजय सिंह छज्जू बाग में थे। उन्होंने कहा कि मार्च के दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं के द्वारा लाल मिर्च का बोरा फेंका गया। अब उन्हीं लोगों से पूछिए कि लाल मिर्च कहां से आया। जब ये बिहार सरकार पर इस तरह का आरोप लगा सकते हैं, तो किसान आंदोलन के दौरान हुए किसानों की मौत और मणिपुर हिंसा की घटना का आरोप देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी पर लगाना चाहिए कि नहीं। पटना लाठीचार्ज जांच के लिए बीजेपी ने 4 सदस्यीय टीम का किया गठन। 13 जुलाई को बीजेपी कार्यकर्ताओं और नेताओं पर पटना पुलिस के द्वारा किए गए लाठीचार्ज को लेकर इस मामले की जांच करने के लिए बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव एवं मुख्यालय प्रभारी अरुण सिंह की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार बीजेपी की ओर से एक 4 सदस्यीय टीम का गठन किया गया है, जो कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा के द्वारा की गई है। मालूम हो कि गठित की गई इस 4 सदस्यीय टीम में झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास, सांसद मनोज तिवारी, सांसद विष्णु दयाल राम और सांसद सुनील दुग्गल के नाम शामिल है। बता दें कि यह टीम बिहार के राजधानी पटना आएगी और पटना पुलिस के द्वारा बीजेपी कार्यकर्ताओं और नेताओं पर किए गए लाठीचार्ज की घटना की जांच करेगी और फिर इस घटना से जुड़ी रिपोर्ट तैयार करके जेपी नड्डा को सौंपेगी, जिसके बाद इस रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। अब महिला क्रिकेटर को भी मिलेगा पुरुषों के समान ही प्राइज मनी। आईसीसी यानी कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की ओर से महिला क्रिकेटरों को एक बड़ा तोहफा दिया गया है। दरअसल आईसीसी की ओर से यह घोषणा की गई है कि अब से आईसीसी के सभी टूर्नामेंट्स में महिला क्रिकेटरों को पुरुष क्रिकेटर के बराबर ही प्राइज मनी दिए जाएंगे। वह इस घोषणा पर बीसीसीआई के सचिव जय शाह के द्वारा ट्वीट कर खुशी जताई गई है। आपको जानकारी के लिए बता दें कि इसकी शुरुआत अगले T20 वर्ल्ड कप से हो सकती है। मालूम हो कि इससे पहले महिला पुरुष के प्राइज मनी में काफी अंतर हुआ करता था। 2019 वर्ल्ड कप में इंग्लैंड टीम चैंपियन बनी थी तो उसे प्राइज मनी के रूप में 28.4 करोड़ रुपए मिले थे। वहीं उपविजेता रही न्यूजीलैंड की टीम को 14.2 करोड़ रुपए मिले। इसके अलावा 2022 वनडे वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलियाई टीम के चैंपियन बनने पर उन्हें 9.98 करोड़ रुपए दिए गए थे, तो उपविजेता रही इंग्लैंड टीम को 4.53 करोड़ रुपए मिले थे। भारत के इतिहास में आज की तारीख है कई कारणों से दर्ज। मुंबई में पहली मोटर बस सेवा की शुरुआत 1926 में हुई। प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 1955 में देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न देने की घोषणा की। भारत के प्रधानमंत्री मुरारजी देसाई ने 1979 में अपने पद से इस्तीफा दिया। पंजाब में सिख समुदाय के अशांत होने के बाद पंजाब को आतंकवाद प्रभावित क्षेत्र 1984 को घोषित किया गया। महिला क्रिकेटर संध्या अग्रवाल ने 1986 में टेस्ट क्रिकेट में 190 रन बनाकर विश्व रिकॉर्ड बनाया। भारत ने 2011 में एक ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान
PSLV द्वारा आधुनिक संचार उपग्रह GSAT 12 को अंतरिक्ष कक्षा में सफलतापूर्वक स्थापित किया। टाटा समूह ने नैनो के बाद 32,000 रुपए में घर देने की घोषणा 2011 में की। अमेरिकी राजा तथा मुगल साम्राज्य के वरिष्ठ सेनापति जयसिंह का जन्म 1611 में हुआ। प्रसिद्ध भारतीय जो व्यवसाय से अत्यंत धनी और दानवीर जमशेदजी जीजाभाई का जन्म 1883 में हुआ था। भारत रत्न सम्मानित स्वतंत्रता सेनानी राजनेता के कामराज का जन्म 1903 में हुआ था। हिंदी के जाने माने पत्रकार प्रभास जोशी का जन्म 1937 में हुआ था। भारतीय सेना के उच्च अधिकारी जो भारत और पाकिस्तान के प्रथम युद्ध में शहीद मोहम्मद उस्मान का जन्म 15 जुलाई 1912 में हुआ था। वेलकम, आज हम बात करेंगे फ्री स्मार्टफोन योजना 2023 के बारे में। सोशल मीडिया पर कई सूचनाएं वायरल होती है, लेकिन सभी सच हो ये जरूरी नहीं है। इसी कड़ी में आज हम बात करेंगे फ्री स्मार्टफोन योजना 2023 के बारे में। दरअसल PIB ने अपने ट्वीट में लिखा है कि YouTube चैनल सरकारी ब्लॉग के वीडियो में दावा किया गया है कि फ्री स्मार्टफोन योजना 2023 के तहत केंद्र सरकार प्रत्येक परिवार के 2 सदस्यों को स्मार्टफोन लेने के लिए उनके खाते में 10,200 रुपए दे रही है। PIB ने अपने ट्वीट में आगे लिखा है कि यह दावा फर्जी है, केंद्र सरकार ऐसी कोई योजना नहीं चला रही। रिकॉर्ड ऊंचाई पर बंद हुआ बाजार। कारोबारी हफ्ते के अंतिम दिन यानी कि बीते दिन बाजार रिकॉर्ड ऊंचाई पर बंद हुआ। बता दें कि कारोबार के अंत में सेंसेक्स 502.01 अंक यानी 0.77% की बढ़त के साथ 66,060.90 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 150.75 अंक यानी कि 0.78% की बढ़त के साथ 19,564.50 के स्तर पर बंद हुआ। बता दें कि पहली बार निफ्टी 19,500 के पार बंद होने में कामयाब रहा। निफ्टी IT इंडेक्स में शानदार तेजी रही। 14 सितंबर 2020 के बाद बड़ी इंट्रा डे तेजी देखने को मिली। वहीं बीते दिन के कारोबार में मेटल रियल्टी FMCG शेयरों में खरीदारी रही, जबकि बैंकिंग ऑटो इंफ्रा इंडेक्स बढ़त पर बंद हुआ। बता दें कि बीते दिन जिन शेयरों में सबसे ज्यादा एक्शन दिखा उसमें पतंजलि फूड्स लिमिटेड, एंजल वन लिमिटेड, ग्लैंड फार्मा लिमिटेड, JBM ऑटो लिमिटेड, NCC लिमिटेड, डीप इंडस्ट्रीज लिमिटेड और GMR पावर एंड अर्बन इंफ्रा लिमिटेड शामिल है। हम प्रतिदिन आपसे 5 ऐसे जरूरी सवाल और उससे जुड़े जवाब बताएंगे जो कि BPSC, बिहार पुलिस, दरोगा समेत SSC जैसे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, बिहार स्पेशल, विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। पूछे गए 5 सवाल में आपने कितना सही उत्तर दिया, कृपया करके यह हमें कमेंट करके जरूर दें। हमारा पहला सवाल है, SAFF चैंपियनशिप 2023 फाइनल का खिताब किस देश ने अपने नाम किया है? ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी जर्मनी, ऑप्शन सी ब्राजील, ऑप्शन डी जापान। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए भारत। अगला सवाल, ICAR की अनुसंधान सलाहकार समिति के अध्यक्ष के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? ऑप्शन ए डॉक्टर AK सिंह, ऑप्शन बी डॉक्टर अनुपमा सिंह, ऑप्शन सी नर्जा प्रभाकर, ऑप्शन डी सुश्री अलका नांगिया। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी नर्जा प्रभाकर है। अगला सवाल, द्विपक्षीय भारत जापान समुद्री अभ्यास GMEX के 7वें संस्करण का आयोजन भारतीय नौसेना द्वारा कहां किया गया? ऑप्शन ए विशाखापत्तनम, ऑप्शन बी कोलकाता, ऑप्शन सी कामराजार, ऑप्शन डी चेन्नई। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए विशाखापत्तनम। अगला सवाल, बिहार की प्रमुख नकदी फसल कौन है? ऑप्शन ए चाय, ऑप्शन बी रबड़, ऑप्शन सी गन्ना, ऑप्शन डी नारियल। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी गन्ना। अगला सवाल, बिहार की सीमा से भारत के कितने राज्य लगते हैं? ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 6, ऑप्शन डी 3। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी 3। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर दिया था। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है महेंद्र कुमार, रंजीत मिश्रा, रुपेश कुमार, राजीव कुमार, बाबूलाल मरांडी, रंजीत मिश्रा, अहमद मोहम्मद अफजल मंसूरी, तबरेज आलम, नंदनी, मोहम्मद सकीर हुसैन, कुश कुमार यादव, लक्ष्मी मेहता, मोहम्मद सकीर हुसैन, हरदेव कुमार, सदुल्लाह पलवी। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है,
आपने अब तक बिहार के कौन कौन से जिले में भ्रमण किया है? अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज। और साथ ही अगर आप यूट्यूब से देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर आप फेसबुक से देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना न भूलें। धन्यवाद।